पहले क्या था कि अगर मैं ऐसे ही बाल करता था तो मेरे हाथ में आते थे और नीचे गिरते थे बहुत सारे बाल। बट अब कैसा है? हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? एक बार फिर से स्वागत है मेरे इस नए वीडियो में। और आज मैं बात करूंगा अपने हेयर के ऊपर। जैसे कि आपको पता है कि मैं 15-20 दिन से आई थिंक मैं डाल नहीं पा रहा हूँ हेयर का, जो मेरा क्या अपडेट है, तो जो भी अपडेट है मैं दे नहीं पा रहा था, काफी बिजी हो गया था मैं। सो उसके लिए आई एम सॉरी। एक्चुअली जॉब भी करना, वीडियो शूट करना, उसको एडिटिंग करना, खाना खुद से बनाना, बहुत कुछ मैनेज करना पड़ता है और इसके अलावा भी बहुत सारा काम रहता है, तो काफी ज्यादा बिजी हो गया था मैं, वीडियो डाल नहीं पा रहा था, मैं चाह के भी वीडियो नहीं डाल पा रहा था। अगर टाइम मिला भी तो मैंने 2 ब्लॉग डाले थे बस। सो हेयर के ऊपर मैंने कोई वीडियो नहीं डाला पिछले 15-20 दिन से। सो आज हम बात करेंगे हेयर के ऊपर। और जो लोग नए हैं उनको मैं बता दूं कि मेरा जो है हेयर ट्रीटमेंट चल रहा है डॉक्टर बत्रा क्लिनिक में, और जो डॉक्टर बत्रा है वो होम्योपैथी क्लिनिक है। तो पिछले 5-6 महीने से मेरा ट्रीटमेंट चल रहा है और मैं अपने हेयर के ऊपर जो भी अपडेट रहता है वो मैं बताता हूँ। सो आज इस टॉपिक पे बात करेंगे। सो चलो शुरू करते हैं और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं कि मेरा जो हेयर है वो अभी कैसा है। सो गाइस, सबसे पहले मैं बता दूं कि लास्ट वीडियो में मैंने पिछली बार बनाया था जिसमें मैं विटामिंस की कुछ गोली लिया था मैंने, और डॉक्टर ने जो सजेस्ट किया उसी हिसाब से मैंने जो दवा लिया था वो मैं खा रहा हूँ कंटिन्यू। ब्लड चेकअप के बाद जो दवा मिला था डॉक्टर ने जो मुझे दिया था वो मैं कंटिन्यू खा रहा हूँ, और जो मेडिसिन जो होम्योपैथिक है डॉक्टर जो दी थी वो मैं कंटिन्यू वो भी खा रहा हूँ। सो कंटिन्यू ले रहा हूँ, और शैम्पू सीरम वो भी मैं कंटिन्यू लगा रहा हूँ, और डैंड्रफ का जो पाउडर है दही में डाल के जो लगाते हैं वो भी मैं कंटिन्यू लगाता हूँ, वीकली लगाता हूँ, जो दही वाला जो पाउडर होता है लगाने वाला। बाकी दवा जो है सुबह शाम वो कंटिन्यू मैं ले रहा हूँ जैसे पहले ले रहा था। सो अभी मेरा जो स्टेटस है बालों का वो ये है कि मुझे अभी ऐसा फीलिंग आ रहा है, ऐसा मुझे लग रहा है नहाने का टाइम भी या फिर ऐसे भी, कि मेरा थोड़ा बाल जो है कंट्रोल, मतलब कि हो रहा है, मुझे ऐसा फील आ रहा है कंट्रोल हो रहा है। क्योंकि लास्ट टाइम मैंने बताया था कि मेरा बाल कंट्रोल नहीं हो रहा है बिल्कुल भी, मतलब कि गिर रहा है जैसे था वैसे नहाने के टाइम या कैसे भी काफी ज्यादा गिर रहा था। तो वो सारी चीजें मैंने डॉक्टर को बताया, डॉक्टर ने दवा चेंज किया और ये सारी चीजें मैं अभी भी कंटिन्यू ले रहा हूँ। तो अभी कैसा है कि मैं नहाता हूँ तो बाल तो आते ही है, ऐसा नहीं कि बिल्कुल नहीं आता है, थोड़ा बहुत लेकिन थोड़ा आता है, पहले जैसा नहीं कि एकदम से पूरा आ रहा है, वैसा नहीं है, अभी कंट्रोल हो गया है। और सीरम भी लगाता हूँ तो उतना नहीं आता, जैसे कि पहले बहुत सारे बाल आते थे अब उतना नहीं आता है, बट आता है थोड़ा बहुत आता ही है, बट पहले के कंपेयर में मैं ये बोलूँगा कि थोड़ा कंट्रोल में है मुझे ऐसा लग रहा है। और आगे जब और दवा खाएंगे, उन्होंने बोला था कि कंट्रोल हो जाएगा, आप टेंशन मत लो, आपका जो डेंगू का जो हुआ था बीच में उस वजह से गिर रहा है, बट कंट्रोल हो जाएगा। और डॉक्टर ने बोला था कि सिर्फ पेशेंट का टेंशन नहीं रहता है, जो डॉक्टर होता है डॉक्टर का भी ये रहता है कि पेशेंट को मैं कैसे ठीक करूं इतना दिन हो गया। तो अभी मुझे लग रहा है कि कंट्रोल में है थोड़ा। और पहले क्या था कि अगर मैं ऐसे ही बाल करता था तो मेरे हाथ में आते थे और नीचे गिरते थे बहुत सारे बाल, बट अब कैसा है कि अब ऐसा नहीं है। अभी मैं आपको सामने करके दिखा देता हूं ताकि आपको समझ में आए। देखो, अगर मैं ऐसे करूंगा ना, ऐसे करूंगा तो बाल देखो, बाल मतलब एक भी बाल नहीं आया है, या फिर ऐसे करूंगा तो एक भी बाल नहीं आया है, इधर भी देखो सिर्फ इधर एक बाल आया, इधर एक ऐसे। तो मुझे लग रहा है कि थोड़ा कंट्रोल में है और आगे चल के शायद और कंट्रोल में हो जाएगा। सो गाइस, जब मैं ऐसे पूरा किया तो सिर्फ 2-3 बाल आया है, इससे ज़्यादा नहीं आया है। और पहले अगर मैं ऐसे करता था तो काफ़ी ज़्यादा बाल आते थे पूरा हाथ में, मतलब कि कम से कम 40-50 बाल आ जाते थे और सिर्फ ऐसे कर देता था तो। बट अभी वैसा नहीं है, अगर मैं ऐसे करता हूँ तो बिंदास करता हूँ, क्योंकि बाल अभी देखो नहीं आ रहा है, एक भी बाल नहीं आ रहा है। हाँ, नहाऊंगा तो जरूर आएगा थोड़ा बहुत, तो डॉक्टर ने बोला है कि आप कुछ भी कर लो 100% बाल किसी का नहीं रुकता है, और 50-60 बाल गिरना, 100 बाल गिरना, ये मतलब कि ये नॉर्मल है, हर किसी का गिरता है और गिरना भी चाहिए, ऐसा डॉक्टर ने बोला था कि 60-70 बाल डेली ये गिरना चाहिए और गिरता है, इससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है। इसका मतलब ये नहीं कि आपका बाल गिर रहा है अगर डेली आपको गिरता है, मतलब 70-80-90 भी बाल गिरते हैं तो कोई इशू नहीं है। तो ये तो जाहिर सी बात है, ये सबको पता है कि हाँ थोड़ा बहुत बाल तो गिरता है, पूरा 100% किसी के बाल नहीं गिरता है, ऐसा कोई भी नहीं है, सबका बाल गिरता है। तो मुझे लगता है कि मेरा जो पहले जैसा बाल था वैसा अब धीरे धीरे हो रहा है, क्योंकि मुझे लग रहा था लास्ट टाइम जब वीडियो बना रहा था मुझे लग रहा था कि मेरा बाल काफी बड़ा है तो शायद इस वजह से भी रहा है गिर रहा है, और मैंने मेंशन भी किया था वीडियो में कि हाँ मेरा बाल बड़ा है तो शायद इसके लिए गिर रहा है, तो देखते हैं क्या करना है। बट अभी मेरा बाल देख सकते हो आप, काफी बड़ा बाल हो गया है, और मैं ऐसे कर रहा हूँ देखो, बाल तो बाल नहीं आ रहा है,
मैं पूरा जोर से मतलब खींच भी रहा हूँ तो ऐसे खींचूंगा तो बाल नहीं आ रहे देखो। बट नहाऊंगा तो आएगा, जरूर आएगा, बट पहले जैसे नहीं आएगा, जैसे कि पूरा नहाने के बाद पूरा ऐसे भर जाता था वॉशरूम, तो वैसा नहीं है, बट आएगा, थोड़ा बहुत आएगा ही। सो मुझे लग रहा है कंट्रोल में है और मैं दवा कंटिन्यू ले रहा हूँ। और मेरा एक साल का कोर्स है, तो मैंने जो पैसा पे किया था 21,000 वो एक साल का था, एक साल के लिए है, तो मेरा एक साल तक है, अभी 6 महीने ही हुआ है और 6 महीना बचा हुआ है अभी, तो मुझे अभी पैसा देने का टेंशन नहीं है। बट जो शैम्पू आता है, सीरम आता है, उसके लिए तो अलग से पैसा देना पड़ता है, वो मैं ऑनलाइन मंगा लेता हूँ, सस्ते मिल जाता है। कभी कभी बहुत सारा ऑफ आता है ना, ऑफ रहता है तो ऑफर रहता है, तो जब देखता हूँ कि हाँ ऑफ चल रहा है, पैसा कम दिख रहा है, तो उस टाइम मैं मंगा लेता हूँ। तो शैम्पू और सीरम मैं ऑनलाइन ही मंगाता हूँ, क्लिनिक नहीं लेता हूँ। क्लिनिक से मैं फर्स्ट टाइम लिया था और उसके बाद से कभी नहीं मंगाया, क्योंकि क्लिनिक से मुझे काफ़ी महंगा पड़ गया था। तो मैंने देखा सीधे ऑनलाइन गया, अमेजोन फ्लिपकार्ट जो भी है, देखा कि वहाँ पे सस्ता में मिल रहा है सेम प्रोडक्ट। और मैंने उनसे पूछा था कि जो ऑनलाइन में जो दिख रहा है क्या सेम है या क्या है, सेम तो दिख रहा था, बट फिर भी मैंने कंफर्मेशन के लिए पूछा। उन्होंने बोला नहीं नहीं तो उन्होंने बोला नहीं नहीं सेम है, आप मंगा सकते हो, कोई इशू नहीं है, आपको अगर मंगाना है ऑनलाइन तो आप ऑनलाइन मंगा सकते हो, चाहिए तो हम लोग क्लिनिक से भी दे सकते हैं। तो मैंने बोला नहीं, क्लिनिक से हमको महंगा पड़ रहा है तो मैं ऑनलाइन मंगाऊंगा। तो उन्होंने बोला कोई बात नहीं, आप ऑनलाइन मंगा लो। तो मैं तब से ऑनलाइन ही मंगाता हूँ सीरम और कंडीशनर और शैम्पू। और जो न्यूट्रिशन था, पाउडर डाइट लेना था जो डॉक्टर ने दिया था, वो भी मैंने ऑनलाइन ही मंगाया था और वो मैं दूध में डाल के डेली पी रहा था, तो अभी खत्म हो गया है। अभी तो पिछले 15-20 दिनों से मैं नहीं ले रहा हूँ, बट उन्होंने बोला था कंटिन्यू लेना है, बट 15-20 दिनों से मैं नहीं ले रहा हूँ, बट फिर भी मुझे लग रहा है कि बाल थोड़ा कंट्रोल में है, बट मैं लूंगा उसको, क्योंकि न्यूट्रिशन बहुत जरूरी है, बिना न्यूट्रिशन का तो बाल आपका हेल्दी नहीं होगा। और थेरेपी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। मैं एवरी 15 डेज पे जाता हूँ, जब भी टाइम मिलता है संडे को, 10 दिन पे या 15 दिन पे, तो मैं संडे को जाकर थेरेपी लेता हूँ और 20 मिनट का थेरेपी होता है। थेरेपी बहुत जरूरी है, क्योंकि जब वो थेरेपी लगाता है तो आपके बालों से कोई लेना देना नहीं है थेरेपी का, आपके जो स्काल्प है और स्काल्प के नीचे का जो लेयर होता है वहां पे वो पूरा थेरेपी करेगा और वो एरिया को काफी मतलब कि ब्लड को सर्कुलेट कराता है। तो थेरेपी का यही काम है, वो पूरा ब्लड एरिया में सर्कुलेट करेगा और ब्लड प्रॉपर वे में फ्लो करेगा वहां पे जो बालों के जड़ होते हैं, तो बाल थोड़ा सा रीग्रोथ होने का चांस रहता है, रीग्रोथ होता है। जब बीच में मेरा ज्यादा गिर रहा था बाल, तो डॉक्टर ने बोला था कि आपको एवरी वीक आना है थेरेपी के लिए, बट मैं एवरी वीक नहीं जा रहा था क्योंकि टाइमिंग का इश्यू था, तो मैं 15 दिन पे ही जा रहा था, शुरू से ही 15 दिन पे ही जा रहा हूँ मैं। 20 मिनट का सेशन होता है और दवा मैं कंटिन्यू खा रहा हूँ, तो जैसे कि मैंने आपको दिखा दिया है और ऐसे ही मैं अपडेट देता रहूंगा आपको। सो गाइस, चलो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। और वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कर देना, और जो लोग चैनल पे नए हैं प्लीज सब्सक्राइब कर लेना, और आगे मैं ऐसे ही आपको अपडेट देता रहूंगा जो भी रहेगा। सो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।